तो आज के हमारी क्लास में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना कि किसी पर्टिकुलर नंबर ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू ग्रेटर देन टेक्स्ट दैट कंटेन्ड इट और यू और डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट को कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा अब यहाँ आता है टॉप बॉटम रूल्स। अब चलिए टॉप बॉटम रूल्स को एक बार देख लेते हैं। आपके सामने डेटा है और मुझे इसमें क्या करना है कि टॉप फाइव को हाईलाइट करना है। सबसे हाईएस्ट टॉप फाइव में ना हाईलाइट हो जाए, तो सिलेक्ट कीजिए टॉप बॉटम्स में और यहाँ टॉप 10 हाईलाइट हो जाएगा। तो टॉप 10 आया, आप यहाँ से टॉप फाइव कर सकते हैं या टॉप 10 कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। जो टॉपर्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। जी सर यहाँ से आप कलरिंग वगैरह तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, जी येलो रेड जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट में जाकर अपनी खुद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें हमारे सामने आता है बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स। तो जो सबसे लोअर होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 8 और 10 दिख देता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे टॉप बॉटम में देखिए जो सबसे छोटा है वो हाईलाइट हो गया 10 10 तक। ठीक है, जैसे कि 1 से लेके 100 तक का अगर गिनती होगा उसमें आपका टॉप 10 जो होगा 90 to 10 होगा जी और बॉटम 10 1 से 10 होगा, तो जी सर उसी भी हिसाब से ही देता है। इसमें आपका टॉप 10% एंड बॉटम 10% है, तो टॉप 10% बॉटम 10% परसेंटाइल फॉर्मूले की अकॉर्डिंग चलता है। जी तो सर हमने परसेंटाइल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसको स्किप कर सकते हैं। अब जी बात सर करते हैं यहाँ पे अबव एवरेज। एवरेज क्या होता है पता है सर आपको? हिंदी में हम लोग उसको औसत पढ़े थे। जैसे जी जी सर मान लीजिए कि आपका आपके घर से 3,000 रुपए की पॉकेट मनी मंथली मिलती है 30 दिनों के लिए, तो एक दिन में कितना मिला, तो हम क्या करते हैं सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू, 100 रुपये पर डे मिला। तो जब हम एरिया जब डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो इस डेटा का जो एवरेज है 48 है। जब यहां हम टॉप बॉटम में अब एक मिनट सर तो यहाँ पे अबव एवरेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो इसकी एवरेज है 48 उससे ऊपर वाले को हाईलाइट कर देगा। देखिए सर तो बाय डिफॉल्ट एवरेज कैलकुलेट करता है, कल के डेट में अगर एवरेज घटता बढ़ता है तो ये अपने आप को मेंटेन करता है। सेम आपका बिलो एवरेज तो 49 48 से जो नीचे वाला होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ 48 से ऊपर वाले होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। राइट सर, जी जी सर जी अब बात करते हैं डेटा बार्स की। तो ये हमारा डेटा बार हमारे सामने जो दिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। अब डेटा बार इसे मान लीजिए कि हमें पता करना है कि जो 220 है, ये 220 जो हमारा है ये हायर में है या लोअर में है, मतलब इसका पोजीशन क्या है डेटा के। तो डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डेटा बार्स में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लिए। तो जी सर 230 जो आप देख रहे हैं ये हमारा मिडल में है। ठीक है, अगर जी इसको मैं अलग सीट पे बताऊं क्या होता है, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कुछ नंबर्स दिख रहा है आपको ये? जी अब इस नंबर्स के ऊपर अगर मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डेटा बार देते हैं तो देखिए क्या बन गया। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उसे से में बार हमारा बढ़ रहा है, इससे हमें जी पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू
ब्रिज का है, मिडल है, अपर है, क्या? क्योंकि जी बड़े जी बड़े डेटाबेस पे हम बार चार्ट तो नहीं लगा सकते ना, जी तो बाकी सब देखने एक ही जैसा है, बस अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन, राइट? जी जी सेम जैसे सेम हमारा कॉलम है, तो कॉलम क्या करता है, कलर, सॉरी कलर स्केल, तो कलर बताता है कि लोअर को रेड कर देगा, मिडल को ग्रीन कर देगा, येलो कर देगा और हायर को ग्रीन कर देगा। तो कलर से पता चल जाता है कि डेटा में बड़ा है या छोटा है, ठीक है सर? जी सर। तो पूरे डेटा के अंदर अगर मान लीजिए है, तो हम यहाँ कलर से पता कर सकते हैं कि कलर स्केल से पता चल जाती है कि क्या है, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है आइकन से। तो आइकन अप्लाई करते हैं तो इसे देखिए लोअर आ जाता है, मिडल आ जाएगा, अपर आ जाएगा। अगर मैं अलग एक डेटा जो मैंने ऐड किया था उस पे दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि आइकन बता देगा कि ये देखिए छोटा डेटा है, बीच का डेटा है या बड़ा डेटा है। ये अलग अलग आइकन से जो कि हमें मदद करते हैं डेटा को देखने में, समझने में, ठीक है? जी सर। मतलब कि हम देख के बता देंगे कि डेटा क्या है, पोजीशन, ठीक है? जी जी सर। अब जैसे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे रूल्स लगाए, जैसे ग्रेटर देन लगाया, लेस देन लगाया, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग आपको दिखेगा। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है। देखिए जो बाहर दिया हुआ है वो आपका मोस्ट यूजेज कमांड है। इसकी जो ये है टोटल, इसकी आप बात करें जाए मतलब कि प्री कमांड आपको मोर रूल्स में या न्यू रूल्स में मिलेगा। तो मोर रूल्स पे आते हैं तो यहां आपको कमांड मिलेगा, जैसे कि ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे मैंने 5 को लिख दिया और यहाँ पे फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे फिल पे जाके हम अपनी कलर अप्लाई कर दिए। अप्लाई हो गया जी सर, कोई दिक्कत इसमें सर? तो हमने कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ओके करते हैं, इस पे कलर अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उसको एडिट करना है, एडिट भी कर सकते हैं। एक सेकेंड सर, सॉरी सर, तो यहां पे आपके सामने ये आता है मैनेज रूल। तो प्रीवियस रूल जितने भी है उसको यहां मैनेज रूल से आप चेंज कर सकते हैं, ओके? यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
तो चेंज यहां से आप कर सकते हैं, डिलीट करना हो यहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर करना हो डिलीट हटाना हो यहां से इंटायर शीट का या सिलेक्टेड सेल का यहां से हटा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है न्यू रूल्स में जाते हैं या मोर रूल्स में जाते हैं तो इसके अलावा और चीजें भी है कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू के अलावा यहां पे सेल वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट भी है। हमने लास्ट क्लास में कंटेनिंग किया था, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से पूजा और पूजा सिंह पूजा वगैरह तो पूजा को हाईलाइट करना हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में पूजा लिख दूंगा तो पूजा सिंह पूजा वगैरह आ जाता है। जी सर। लेकिन मुझे पूजा सिंह इसमें कुछ किया है कि इसमें कुमार पूजा भी है, ठीक है जी, मुझे कुमार पूजा को नहीं सिलेक्ट करना है, जो पूजा से स्टार्ट है उसी को सिलेक्ट करना, हाईलाइट करना है, पूजा पे खत्म है वो नहीं करना। इसके लिए हम यहाँ मोर रूल्स के यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंटेनिंग में बिगेन बीत और यहाँ पे हम पूजा सिलेक्ट करेंगे या एंड बीत या नॉट कंटेनिंग कर सकते हैं। और यहां पे मैंने कलर ले लिया एंड ओके एंड ओके, तो अब देखिए कुमार पूजा जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ। ओके सर। जी सर। तो ये हमारे मोर रूल्स के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट डेट ऑकरिंग जो भी बाहर है वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ब्लैंक आप ब्लैंक को हाईलाइट कर सकते हैं, नॉट नो ब्लैंक, नो ब्लैंक को हाईलाइट कर सकते हैं, एरर को हाईलाइट कर सकते हैं, नो एरर को हाईलाइट कर सकते हैं। अब नो एरर के एक यूज हम लोग करते हैं, क्या होता है कि कभी कभी हमारे जब डेटा वगैरह फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो उसमें एक एरर आता है, एरर हमारे इनपुट्स की वजह से होता है, मतलब कि फॉर्मूले की गलती नहीं होती है, वो इनपुट्स की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है और कुछ यहाँ पे नंबर्स है, राइट जी सर। अब मुझे जो एनए है जो एरर है उसको नहीं दिखाना है, हालांकि इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा सकते हैं बट फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें विजुअल हटा देना। तो हमने क्या किया, हम यहां गए हाईलाइट में मोर रूल्स पे और यहां हमने एरर को सिलेक्ट किया और फिर नो फॉर्मेट सेट जो लिखा हुआ है उस पे जाएंगे और इसकी जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी व्हाइट है तो फॉन्ट कलर हम ऑलरेडी उसको व्हाइट कर देते हैं एंड ओके। हो गया जी सर। अभी ऐसा नहीं कि वो एनए हट गया है, एनए की कलर जो है चेंज हो गई है इस कारण से नहीं दिख रहा है, अब कलर चेंज करेंगे तो दिखेगा, दिख रहा है ना सर? जी जी सर। तो एनए की कलर को हमने व्हाइट कर दिया है, उसकी फॉन्ट कलर जी। तो ये हमारी इसमें आती है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मूला का, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर ले देन फॉर्मूला से।